हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रियल नंबर का एक इंट्रोडक्शन क्लासेस में दे रहा हूँ कि रियल पहले नंबर सिस्टम को समझना चाहते हैं कि ये नंबर सिस्टम है क्या, ठीक है। तो पहले नंबर सिस्टम को समझते हैं। तो आप इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है या मान लो एक बहुत बड़े घर है, तो उस घर में बहुत सारे रूम होते हैं, बहुत सारा रूम में ही बहुत सारा सेक्शंस होते हैं, है ना, डिवाइड किया जाता है। तो नंबर को भी वैसा ही रखा गया है, यानी मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, मोटरी है, मेरे पास बहुत बड़ा मोटरी है, ठीक है। इसमें इसमें पूरे नंबर सिस्टम को रखा गया है। नंबर सिस्टम को आपने अभी तक जितना पढ़ाई किया है, आपके पास जितने सारे आसपास से नंबर गुजरा है, वो सारे नंबर हमारा रियल नंबर है। रियल का मीनिंग सही समझ में आता है, रियल नंबर है। चाहे वो आपको दिख गया होगा रूट टू माइनस फाइव बाई सिक्स माइनस सेवन थ्री बाई एट टू बाई नाइन कुछ भी वन टू माइनस टू जीरो, जितने सारे ये नंबर आपको दिखते हैं, ये सारे नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम रियल। डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा आपको, नोट्स बनाना, डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा अच्छे से। बसरते आज ये पहला क्लास है तो थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं कि रियल नंबर है क्या, क्लियर। तो कुछ भी नंबर बचपन से लेकर आज तक आपने जितने सारे नंबर को देखा है, वो सारे नंबर रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर को अब डिवाइड किया गया पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट। तो वो डिवीजन का प्रोसेस को समझते हैं। जैसे आपने ऑड नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, सब नंबर आपने पढ़ा। तो जस्ट छोटा सा, पहले हम किसी से मिलते थे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरे पापा का नाम क्या है? नहीं, हम लोग ये बोलते हैं कि मेरा नाम क्या है। तो क्या मैं ही सबसे बड़ा हूं? नहीं ना। तो जैसे बचपन में आप पढ़ते चलते तो ऑड नंबर इवन नंबर आसान से पढ़ते, लेकिन अब हम लोग क्लास मतलब नाइन टेन तक इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि नंबर सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम क्या है नंबर का। तो नंबर का जो सिस्टम है वो सिस्टम को भी समझते हैं और प्रोसेस बनाते हैं कि कैसे नंबर होते हैं। अच्छा बताना मेरे दोस्त कि अगर आपके पास देखिए ये नॉलेज है कि 2.66666 डॉट डॉट ये रियल नंबर है या नहीं है, आइडिया? नो आइडिया। आप बहुत सारे बच्चे हाँ हो सकता है अंदाजे तक, अब जितने सारे आज तक मैं पढ़ाया हूँ, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। तो मैं पढ़ाया हूँ तो इतना मेरे को समझ में आता है कि बस बच्चे आने सर हाँ सर कोई बोलता है, हाँ सर कोई बोलता है, ना सर। तो वो जो हाँ बोलता है ना उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर उस कॉन्फिडेंस को बनाना है तो पूरा डेप्थ में पढ़ो। मैं जानता हूं कि इस वीडियोस को हजारों लोग देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा रियलिटी में पढ़ाई करेंगे। जब हम लोग क्लासरूम में, क्लासरूम वाला माहौल तो कभी भी ऑनलाइन नहीं बन पाता है क्योंकि बच्चे सामने नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हर एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसा फील ना हो कि आपका टीचर आपके पास नहीं है। आपको मैं हर एक बात डिस्कस करूंगा, हर एक बात डील करूंगा और पूरा पैकेज में बनाकर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले समझते हैं रियल नंबर पे आते हैं, ठीक है। रियल नंबर पे बहुत यहां पर टू द पॉइंट बात करना होता है। जब क्लास में रहते हैं तो बहुत सारा एग्जांपल, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। भगवान करे लॉकडाउन जल्द समाप्त हो तो आप लोग के लिए क्लास भी ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी रियल नंबर समझते हैं। आपका पढ़ाई रुके ना, बस इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, बस मेरे को बनाना पड़ा। अब देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं रियल नंबर यानी फादर, रियल नंबर। बेसिकली रियल नंबर का दो बेटा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जब दो बेटा होता है तो एक लायक होता है एक नालायक होता है, है ना, एक लायक होता है और एक नालायक। तो जो लायक बेटा था वो बना रेशनल, रेशनल नंबर, और जो नालायक था वो क्या बना, इरेशनल नंबर, ठीक है। पहले ये दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से।
ये दोनों को डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, लायक नालायक में क्या डिफरेंस है? तो आप रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, डॉट 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 ईटीसी, वैसा नंबर जो रूट के अंडर में हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वैसा नंबर जो रूट में हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसको बोला गया इरेशनल नंबर। ठीक है, आपसे कोई भी पूछे तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं ना बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझना, समझो बात को कि इरेशनल क्या होता है ना। तो वैसा नंबर जो रूट के अंदर में लिखा जाता हो, रूट के अंदर में लिखा जाता हो और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट करे, ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, दोनों कंडीशन, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, है ना। इरेशनल नंबर का भी मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, मैं समझो। द नंबर which are written under the root and the decimal representations are not terminating or not repeating, ठीक है, the number are called irrational number। उस number को हम लोग क्या बोलेंगे, irrational number। concept clear? अब बोलोगे example, तो लिख देते हैं ना 1.63219321, ना तो ये खत्म होने वाला है और ना तो ये repeat कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का दो लॉजिक हम लोग को समझ में आ गया। अब कोई जो चालाक, जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, खुद सोचेगा इरेशनल नंबर क्या होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट वो बोलेगा कि सर जो नंबर रूट में नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। सर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग नहीं होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्या हो सकता है, टर्मिनेट कर जा सकता। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रिपीट कर सकता। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रिपीट करेगा। अब टर्मिनेट करना मतलब क्या, अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, दुनिया में जितने सारे फ्रैक्शन हैं उस फ्रैक्शन को डेसिमली, डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जितने सारे फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन डायरेक्ट क्लियर कट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन कुछ समय के बाद, डेसिमल के कुछ समय बाद टर्मिनेट करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने 1/2 लिखा, तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर मैंने 0 दिया, पॉइंट दिया, और ये क्या हो गया, 10 और 25 जा 10, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/2 का जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा तो 0.5। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या मैंने दिया, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये क्लियर हो गया। अब मेरा देखो, जस्ट इसके जस्ट बाद स्लाइटली, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। अब तो छोटा सा सोचो मैजिक, 1/3 मैंने लिया, अब इसको मैं डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है ना, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से करके देखो, मैंने इससे लगाया, चलो ठीक है, जीरो दिया, यहां पर एक जीरो आ गया, पॉइंट दिया, आ गया 10, क्लियर। मैं 3 जा लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, ये 9 और ये क्या बना 1, फिर देखिए, अच्छा भाई पॉइंट डेसिमल दिया हुआ, फिर 3 जा लगाया। ये ऐसे आप जितना जिंदगी भर, आप बूढ़े होने तक आप करते रहो, आप इसी तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीन प्रकार का डेसिमल नंबर होता है। अगर आपसे पूछता है, कोई भी होता है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तीन प्रकार का डेसिमल नंबर होता है। पहला डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर जाता है, पहला डेसिमल नंबर क्या करता है, टर्मिनेट। दूसरा डेसिमल नंबर नॉट टर्मिनेट, सॉरी रिपीट करता है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है मेरे भाई, बट रिपीट कर रहा है सेम नंबर 0.33333333। अगर मैं ऐसे लिखते लिखते बुढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तो वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम लोग दो डेसिमल, रेशनल में दो डेसिमल नंबर आया, पहला कौन सा, टर्मिनेटिंग, दूसरा कौन सा,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, रुकना, खत्म होना, नॉट टर्मिनेट बट रिपीटिंग, टर्मिनेट कभी नहीं करेगा बट रिपीट करता हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो दो डेसिमल नंबर यहां पे हुआ, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरा नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, जो कि इरेशनल नंबर में चला जाता है दोस्तों। तो आपने क्या सीखा, तीन प्रकार का डेसिमल नंबर सीखा। तो दो प्रकार का डेसिमल नंबर रेशनल नंबर में आता है और एक प्रकार का डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर में आता है। अब आपसे कैसे भी, देखिए मेरा पढ़ाने का मतलब सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, आदमी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालता है कब है, जब उसके पास पहला चीज कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब उसके पास नॉलेज हो। तो नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग को इतना जानना जरूरी है, और जब तक इतने अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं बताता हूं कि देखिए हम अपना ऐप आर्य एजुकेशन का एक ऐप ऐप में बना चुका हूं, उस ऐप में मेरे सारे वीडियोज क्लास बाय क्लास, सिस्टम बाय सिस्टम, एकदम ए टू रेट, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा, आर डी शर्मा, जितने से एम एल अग्रवाल, जितने सारे बुक हैं, सारे बुक्स का स्पेशल सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। आप वहां पर जाके पूरा लिंक बाय लिंक वीडियोज को आप देख पाओगे, ये मैंने क्लियर किया, एकदम आपको फील होगा, आप कहीं भी देश और दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में आप बैठे रहो, आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई करने, आप क्लासेस करने के साथ साथ आप इस वीडियोस को रखोगे, कभी भी कोई डाउट्स होता है आप घर में बैठ के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं इस टाइप से वीडियोस बना रहा हूं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसका तो कहानी खत्म, नालायक था तो इसका कहानी खत्म। अब जो नालायक को कौन ज्यादा लोग पूछता, नहीं पूछता है, अब लायक चीजों का पूछ होता है, ठीक है। लायक आप पढ़ेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल तो समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझेंगे। तो डेसिमल, जब डेफिनेशन की जब आप बात करेंगे तो हम अभी बोर्ड पे लिखेंगे तो समय टाइम बर्बाद होगा, यहाँ पर सिर्फ समझने की बात करते हैं। जब आप मेरा ऐप पे जाओगे तो वहाँ पर डेसिमल वगैरह एकदम डेफिनेशन में परफेक्ट, जो कि आपको एकदम परफेक्ट डेफिनेशन मिलेगा, जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। अब रेशनल नंबर क्या होता है, बोलता है अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब देखो लॉजिक यहां से लगता चला जाएगा, p by q where q does not is equals to 0, q does not is equals to 0, p and q are integers number, p and q are integers number and there is no common factor other than 1। दोस्तों देखो बात क्या होता है ना, एक छोटा छोटा सा बात बोलते हैं, there is no common factor other than 1। अब तुम समझोगे नहीं सर ये इसका मतलब क्या हो गया, अरे मेरे भाई पहले p और q इंटीजर्स नंबर, आपको पता है इंटीजर्स नंबर क्या होता है, खैर कोई बात नहीं बताते, लेकिन पहले समझो, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन का मतलब क्या हुआ। आप दुनिया का कोई भी नंबर फ्रैक्शन में ले लो, जैसे 3/4 ले लिया मैंने, ये दोनों कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन दुनिया का कोई भी नंबर ले लो तो इसको मैं 1 into 3, अगर मैं 3 का फैक्टर अगर डिटेल्स में लिखा तो 1 into 3, और इसको मैं क्या लिखूंगा 1 into 1 into 1 into 2 into 2। अब समझो इस वर्ड का मीनिंग, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अच्छा बताओ ये इसका और इसका में अगर मैं कॉमन फैक्टर लिखा लूंगा, इसका फैक्टर और इसका फैक्टर में कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो 1 बचा। तो दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो फ्रैक्शन में हो, उसमें 1 कॉमन फैक्टर होगा, कोई भी नंबर ले लीजिए, ये कंपलसरी कि होगा ही होगा। तो मैं वही डिफिनेशन लिखवाया कि p और q आर इंटीजर्स नंबर एंड देर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और क्या q क्या है, इंटीजर्स नंबर। तो आप डेफिनेशन ऐसे बोलोगे कि The number, a number which can be represented in the form of p by q, q and there is no common factor other than 1 where p and q are integers number and q does not is equals to 0। तीन कंडीशन को बताना है, तीन कंडीशन को यहां पे बताना, यानी आप इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, तो एग्जाम्पल लिखेंगे 5/8 इरेशनल नंबर है,
रेशनल नंबर है। अब अगर मानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे 5/6, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर मान लेते हैं 5/10 लेते हैं तो ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसको कॉमन फैक्टर है, इसमें क्या है कॉमन फैक्टर है, 1 × 5 और 2 × 5। देखिए 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर आ गया ना, 1 भी कॉमन फैक्टर 5। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या लिखेंगे 1/2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। एकदम नीट एंड क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर है। अब रेशनल नंबर की हम लोग बात कर लिए, ठीक है ना, और इसको ये अभी ओवरव्यू है रेशनल नंबर, यानी अब आप बोल सकते हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है इज 0 इज अ रेशनल नंबर, बोलेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। इसका देखो कंडीशन क्या दिया, पी इंटीजर्स, अभी हम इंटीजर्स पे जाएंगे दोस्त, हम इसको जब ये क्लासेस में वन स्टार्ट करूंगा ना, तब आपको सब कुछ रेशनल नंबर का जितना प्रॉपर्टी है मैं सारे डिस्कस करूंगा आपको। तो ये हो गया 0/1। अब 0/1 हो गया तो देखिए कंडीशन क्या था, p एंड q आर इंटीजर्स नंबर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 q हमारा, p का वैल्यू हमारा 0 हो गया और q का वैल्यू कितना हो गया 1, तो q का वैल्यू 1 हो गया तो मेरा कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, s 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, है ना, वेयर q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब आते हैं इसके नीचे, देखिए नंबर को कैसे डिवीजन हुआ, सारे को समझाएंगे अच्छे से। इसके नीचे जब एक स्टेप आते हैं तो इसके नीचे बनता है इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। ये नंबर देखिए, इंटीजर्स नंबर के कॉन्सेप्ट में बच्चे बोलते हैं नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर इज अ इंटीजर्स नंबर, यस हाँ उसी को बोलते हैं। लेकिन कुछ तो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ना, अगर कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है तो स्पेसिफिकेशन समझिए, यहां पर आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगा। वैसा नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन डेसिमल फॉर्म, यानी डेसिमल के बाद उसका कोई नंबर ना होगा, हो तो 0 0 0, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। जैसे अगर मैंने 0 दे दिया तो 0, हम लोग 0.0000 लिख सकते हैं, ये सेम चीज है। मैंने 1 लिखा, परफेक्ट नंबर, पूरा नंबर होना चाहिए 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 ... ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा मेरे दोस्त। इंटीजर्स नंबर का कॉन्सेप्ट सीखो और सभी से कंपेयर करो, बोलो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। अब इंटीज देखो, 2 मैंने लिखा तो 2 ये क्या है टोटली, इसके बाद तो कोई 2.6 तो नहीं है ना, 2.6 जैसे लिखूंगा तो ये इंटीजर्स नंबर नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 2.6 को मैं लिख सकता हूं 26/10, और 26/10 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 13/5, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया। अब बोलोगे कि सर ये भी तो 2/1 लिख सकते थे, ये भी तो रेशनल नंबर है। तो इसी लॉजिक को सिखाने के लिए मैं इस सिस्टम से आपको पढ़ा रहा हूं। तो इंटीजर्स नंबर भी आपको दोस्त क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अगर हम निगेटिव नंबर को छोड़ दें और 0 से लेकर चलें, 0 से लेकर चलें अगर इन्फिनिटी तक, तो यहां से बनता है होल नंबर, क्या बनता है होल नंबर, ठीक है, यहां से क्या बनेगा होल नंबर, क्लियर हो गया। होल नंबर में क्या रहा कि निगेटिव नंबर को छोड़कर, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ... इन्फिनिटी अगर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं होल नंबर। अब 0 को छोड़ देते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, और 0 को छोड़ने के बाद अगर हम इंफिनिटी तक जाते बनाते हैं तो क्या बनता है मेरा नेचुरल नंबर, क्या बनता है नेचुरल नंबर। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब देखिए दोस्त, बार बार एग्जामिनेशन में अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, NTSC, ओलंपियाड, पॉलिटेक्निक, किसी भी एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन पूछता है कि इज All integers number are rational number, is all integers number are rational number, तो हमारा आंसर होगा S। क्यों, क्योंकि integers number जितने भी हैं उसके ऊपर में क्या है rational number, यानी आप ध्यान से देखो
टू अगर लिखा हुआ है तो टू बाई वन में लिखा तो ये रेशनल नंबर हो गया, थ्री लिखा हुआ है तो थ्री बाई वन लिखे, जीरो हुआ तो जीरो बाई वन लिखे रेशनल नंबर हो गया, माइनस फोर बाई वन होगा ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन क्या टू बाई थ्री को हम लोग लिखेंगे इंटीजर्स नंबर? नहीं, देखो मेरे भाई, फाइव मेरा रेशनल नंबर भी है और इंटीजर्स नंबर भी है, लेकिन फाइव बाई थ्री रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर्स नंबर नहीं है। तो हमारा ये जो पढ़ाने का सिस्टम बना, इस सिस्टम का जो लेवल है, पहले रियल नंबर, आप पूछेंगे रूट थ्री इज अ रियल नंबर, तो बोलेंगे यस, रूट थ्री इज अ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के नीचे में ये आया है, दुनिया का जितना सारा नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। लेकिन जब डिवाइड रेशनल नंबर का पोर्शन, रेशनल नंबर के नीचे कौन आया? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर के नीचे कौन आया? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, फिर होल नंबर, होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे आएंगे जब हम लोग क्लास वन स्टार्ट करेंगे तब। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों का अभी क्लियर किया हूं, इसको थोड़ा सा सोचिए। इस प्रोसेस में जैसे जैसे नंबर नीचे जाएंगे तो नीचे वाला नंबर आपको पूछता है, जैसे मैं क्वेश्चन क्या पूछा, इज ऑल इंटीजर्स नंबर, क्या बोला? ऑल इंटीजर्स, यानी नीचे वाला पूछा आर रेशनल नंबर, तो आंसर होगा एस। लेकिन पूछेगा इज ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स नंबर, बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि ये नीचे है मेरे भाई, जो भी इस पोर्शन, मेरा जो पढ़ाने का सिस्टम, जो भी इस पोर्शन में डाउन 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 जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर वाले का सारा प्रॉपर्टी को कंटेन करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्लासेस ही आपको मिलेगा, आपको फील होगा कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, मेरे साथ हो, मेरे कॉन्टेक्ट में हो, और लाइव क्लासेस की भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे आपके पास, तो हम क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।